हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड वो प्रोडक्ट है ननंदन वेला रिफ्लेक्शन थर्मल इमेज हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जो कि मैंने रिसेंटली परचेस किया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है, तो मैंने सोचा अभी इसका रिव्यू शेयर करने का एकदम परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत सारी नई चीज़ें नोटिस की है। तो ये अच्छा है कि बुरा है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जो कि आपको लगता है अगर आप बालों में स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, या फिर हेयर ड्राई कर रहे हो, या फिर आप बालों में कर्लिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसी हीटिंग वाली टूल्स जो आप अप्लाई कर रहे हो अपने बालों में, उसके पहले आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाना एकदम मस्ट है। मतलब आप कुछ भी ना करो, ये जरूर लगाओ, वरना बाल बहुत ज्यादा डैमेज होंगे। तो इसीलिए मैं तो हमेशा हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, लाइक काफी सालों से, 2 to 3 years। इससे पहले मैं यूज करती थी लॉरियल का हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो अभी मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसमें आपको टोटल मिलेगा 150 ml ऑफ प्रोडक्ट। इसका प्राइस है 600 rupees, विच इज ओके फॉर अ स्प्रे। ये बिल्कुल ठीक प्राइस है, कुछ ऐसा हाई फाई प्राइस नहीं है। एंड ये इसमें अल्कोहल है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ लिखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कमिंग टू द पैकेजिंग, इसमें एज सच कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, मुझे पैकेजिंग के बारे में बात करना बिल्कुल बेकार लगता है। तो ये जस्ट नॉर्मल से एक प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक कैप है, एंड ये स्प्रे फॉर्म में आता है। इसका स्प्रे ओके है, ठीक है, अच्छे से स्प्रेड होता है हेयर्स में, एंड नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। तो मैं इसके सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप इसका डेमो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने इसी को यूज करके आज अपने बालों को स्ट्रेट किया है, तो लेट्स गेट जम्प्ड इन द डेमो। मैंने डेमो दिखा दिया है, अब मैं आऊंगी इसके जो मेन पॉइंट्स है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उस पे। तो ये जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है, इसमें लिखा है कि ये स्मूथ करेगा आपके बालों को। तो इसको स्प्रे करने के बाद एट द टाइम तो ये थोड़ा सा लाइक मॉइस्चराइजिंग फील देता है आपके बालों को, लेकिन जब भी ये ड्राई हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड मैं क्या बोलूँ, बहुत ही फ्रीजी बना देता है हेयर्स को, लाइक रूखी बना देता है हेयर्स को। एंड इसके बाद जब मैं स्ट्रेटनर अप्लाई कर रही थी, तो मुझे काफी ज्यादा ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने लॉरियल का यूज किया है, वो तो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग था। लाइक वो अगर आप अपने हैंड पे भी स्प्रे करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो व्हाइट इन कलर था, तो उसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर था, बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता था। ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, लेकिन इसको यूज करने के वक्त मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, बहुत ही ड्राई, बहुत ही रूखी फील हो रही है। अभी जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, जो शाइन थोड़ा बहुत आपको मेरे बालों में दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसके बाद वेला रिफ्लेक्शन का लुमिनस स्मूदनिंग ट्रीटमेंट सीरम यूज किया था, जो कि मैं बहुत सालों से यूज करती हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। मैं हमेशा स्ट्रेटनिंग के बाद इसको यूज करती हूँ बालों में शाइन लाने के लिए, बालों को स्मूथ करने के लिए, एंड खास करके मेरे जो एंड्स है वहां पे, बालों के जो एंड्स है। तो ये प्रोडक्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो ऑल ओवर मैं अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लाइक सिर्फ स्ट्रेट हेयर ही अच्छे नहीं लगते, स्मूथ एंड शाइनी स्ट्रेट हेयर ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके हेयर स्ट्रेट होंगे एंड लाइक घोड़े की पूंछ की तरह दिख रहे होंगे, तो कहां से वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। अगर आप इसको ट्राई करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपके बाल ड्रायर साइड में, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करो। आप लॉरियल वाला बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस, दिस इज इट फॉर माय टुडेज रिव्यू वीडियो। आई होप ये रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ है, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।